Hi guys, this is Ritali and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So today here I am at Gokarna and Bangalore se Gokarna hum road trip karke aaye. Hum kal raat ko 2 baje nikle the and aaj subah 11 baje hum pahunche and yahan pe ye halfway home hai jahan pe hum check in kiye hain. Ye tent house hai. So Bangalore se Gokarna hamara road trip kaisa raha, chaliye dekhte hain. Hi guys, तो हम जा रहे हैं गोकर्णा और अभी तक हम 300 किलोमीटर से ऊपर जा चुके हैं और 150 किलोमीटर अराउंड है और अभी सनराइज हो रहा है अंदर लॉट ऑफ सनफ्लावर्स. बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है एंड ये सिंगल रोड है. रोड तो पूरा खाली है, बस ये व्यू बहुत अच्छा लगा इसलिए हम रुक गए यहाँ पे. ऐसा ही था हमारा रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू गोकर्णा. डिस्टेंस 500 किलोमीटर से ज़्यादा था और हमें 8 to 9 आवर लगा यहाँ पे पहुँचने के लिए एंड रोड्स आर मोस्टली गुड. बीच में 80-90 किलोमीटर आपको पहाड़ के ऊपर से आना पड़ेगा, यू विल गेट अ गुड व्यू. सो यहाँ पे चेक इन करने के बाद, हम थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं बीच घूमने. तो फर्स्ट हम जाएंगे ओम बीच, देन कुडले बीच. आई विल अपडेट यू, स्टे ट्यून्ड. This is our tent. It's quite comfortable and they have one bed and one double fan which has remote control also. ये गोकर्णा का जो ट्रिप है हमारा, ये हमारा पहले से प्लान बिल्कुल भी नहीं था. हम कल ही प्लान करके आए हैं. हमारा प्लान कुछ और ही था, तो मैं आपको अभी पूरा स्टोरी बताती हूँ. हमारा टिकट था बैंगलोर टू दिल्ली एंड दिल्ली से हम कसोल, तोस, कालका ये सब जाने वाले थे. बट कल हम जब एयरपोर्ट गए और एयर इंडिया का फ्लाइट था तो वो फ्लाइट लास्ट मोमेंट कैंसिल हो गया और कुछ ऑप्शन नहीं था. लॉन्ग वीकेंड है सो आज जाके हमें कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो प्लान कैंसिल हो गया. तो 4 दिन हमारे पास छुट्टी था, हम वेस्ट करना नहीं चाहते थे घर पे बैठ के, तो वी केम टू गोकर्णा. बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टेइंग के लिए एक भी ऑप्शन नहीं है आज के लिए. चलो हमें ये हाफवे होम मिल गया और ये बहुत अच्छा भी है, बट कल के लिए कुछ भी नहीं है. अभी हम जा रहे हैं ओम बीच के तरफ. अगर देखते हैं बीच पे अगर कैंपिंग टेंट कुछ भी मिलता है तो हम रहने को रेडी है, बट कुछ नहीं मिलता. तो यहाँ पे हम पहुँच गए ओम बीच पे और गाड़ी रख के नीचे उतर के चल के जाना है. दैट्स द बीच और हमें ऐसे नीचे ट्रैक करके जाना पड़ेगा. तो
अभी हमें ओम बीच में और यहाँ पे हमें नमस्ते कैफ़े, दिस कैफ़े इज़ रियली फेमस, ये ओम बीच के एग्जैक्टली सामने ही है। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो पेट पूजा करना पहले बनता है। वी ऑर्डर चिकन पकोड़ा, किंग फिश एंड फ्रेंच फ्राइज। खाने के बाद विल गो टू बीच एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। इस बीच का नाम ओम बीच इसलिए है क्योंकि ये एरियल व्यू से ओम जैसा दिखता है। मेरे पास अगर ड्रोन होता तो मैं आपको दिखा सकती। और यहाँ पे बहुत सारे बोट हैं जो कि पैराडाइज बीच और हाफ मून बीच लेके जाते हैं, बट वी आर थिंकिंग टू गो टू दोज बीच टुमारो बाय ट्रेकिंग। This is Kudle beach. We came from Om beach and हम ट्रेक करके आए हैं। आप by road भी आ सकते हो, 2 kilometer है Om beach से Kudle beach, it's side by side only. But I think Kudle beach में थोड़ा ज़्यादा crowd है, Om beach थोड़ा isolate था। I deserve.